हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें चाहिए इसके लिए स्केल, पेंसिल और इस टाइप की A4, A3 साइज की शीट आती है। A3 की भी आती है, A4 की भी आती है। तो फ्रेंड्स, हम पहले बनाएंगे लैंप। आप इसको टेबल लैंप भी बोल सकते हैं या किसी भी टाइप का लैंप आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको इसको बीच में से पेपर को फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस टाइप से आपको इसको मिलाकर, कोने मिलाकर अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्केल की सहायता से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 इंच जितनी। फ्रेंड्स, ये हमारा ओपन साइड है। ओपन साइड पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, आपकी जितना मानो, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमें लाइनें ड्रॉ कर लेनी है इक्वल डिस्टेंस पे। और बस उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसे कट करना है एंड तक। जितनी लाइनें हमने खींची हैं उतनी लाइनें हमें बस यूं कट करनी है सिंपली। मैं इसे कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सारा कट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे यूं बीच में से खोलेंगे फ्रेंड्स, और इसे यहाँ साइड से, इस तरफ से फ्रेंड्स, यहां से हम इसको फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसे फेविकॉल से पेस्ट भी कर लिया है और यहाँ पे स्टेपलर भी कर दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे यूं नीचे खड़ा करके इसको यूं पुश करेंगे, तो ये बहुत अच्छे शेप का टेबल लैंप बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका लुक दिखा, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टेबल लैंप का लुक ये है। आप इसे किसी भी बल्ब में लगा के देखिए फ्रेंड्स, बनाकर देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें से जब यहाँ साइड साइड से लाइटें आती है ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज भी हम इसी टाइप से बनाएंगे। हमने पेज ले लिया है A4 साइज की सीट, और हम इसे बीच में से मिलाते हुए फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने लैंप बनाया था उसी हिसाब से इसको भी बनाना है। कॉर्नर मिला लेने हैं अच्छे से और बस इसको ऐसे कर देना है फ्रेंड्स। उसमें हमने यहाँ निशान लगाया था, फिर यहाँ निशान लगा के कट करा था। इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बनेगा उसी हिसाब से, बट हम यहाँ रफली कट करेंगे और बिल्कुल पास पास। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको रफली कट कर लिया। ये बहुत बड़ा था फ्रेंड्स, तो मैंने इसे काट दिया है। अब हम इसे टर्न करेंगे फ्रेंड्स, दूसरी तरफ ऐसे इसको हम मोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस टाइप से हम दूसरी तरफ इसे मोड़ देंगे फ्रेंड्स। इसी के बचे हुए पीस में से मैं इसकी डंडी बनाऊंगी। तो आप इसको यूं नीचे से रोल बना लीजिए फ्रेंड्स ऐसे। ये देखिए, ये हमारे फ्लावर की डंडी बन जाएगी फ्रेंड्स। इस टाइप से आप इसको सारा रोल बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका रोल बना लिया। इसके बाद हम इसे सेलो टेप से चिपका देंगे फ्रेंड्स, ताकि ये रोल बना रहे, खुले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ये जो ये बनाया है इसको हम यहाँ से फ्रेंड्स इसमें ऐसे रोल करेंगे ऐसे फ्रेंड्स, तो ये एक फ्लावर का शेप ले लेगा फ्रेंड्स इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से रोल करके और इसको भी हम सेलो टेप से चिपका देंगे फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, ये इसकी डंडी अगर ग्रीन कलर की होती तो ये बहुत अच्छा लगता, बट फ्रेंड्स मेरे पास अभी और कोई सीट नहीं बची है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको यूं नीचे की तरफ टर्न कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये फ्लावर का रूप ले लेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई फ्लावर है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से देखने में कितना सुंदर लग रहा है। थर्ड फ्रेंड्स, ये टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर से हम कुछ बनाएंगे। मैंने टिश्यू पेपर निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। हम इसकी तह खोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खोल लिया है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे फ्रेंड्स। इस टाइप के फ्रेंड्स आप 2 या 3 टिश्यू पेपर काट सकते हैं फ्रेंड्स। हम इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइन से लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर हम इनको लगा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इसका पंखा बनाएंगे। जैसे हम रफली पंखा बनाते थे फ्रेंड्स जब हम छोटे थे, पेपर वगैरह का पंखा बनाते थे। एक बार इस तरफ फोल्ड करना है, एक बार इस तरफ फोल्ड करना है। बस इसी टाइप से आपको ये पूरा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से पूरा हमें पंखा बना लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, बीच में हम यहाँ से फ्लेक्सिबल वायर आती है फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे पास नहीं है तो मेरे पास ये पड़ा है, मैं इसी से इसको बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स। बीच में से बंद करना है फ्रेंड्स इसको आपको। ये देखिए, इस टाइप से आप बीच में से इसको बंद करके अच्छे से घुमा के टर्न करके आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि हमारा टिश्यू पेपर हिले नहीं जगह से।
फ्रेंड्स इसके बाद आपको इसकी लेयर खोलनी है, एक एक लेयर आप इस टाइप से खोलते जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स ये आसानी से खुल जाती है, ये टिश्यू पेपर है बहुत ही नरम मुलायम है, आप ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो फ्रेंड्स ये खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, और आप ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसको पूरा खोल लेंगे, सारी लेयर नीचे तक जितनी लेयर है सारी हम खोल लेंगे। इस टाइप से आपको सारी लेयर इसकी खोल लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी लेयर खुल गई है। अब देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर फ्लावर बन गया है, ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, कितना सुंदर अच्छा फ्लावर बन गया है। अगर मेरी वायर लंबी होती फ्रेंड्स तो मैं इसे किसी पोट में लगाकर आपको दिखाती। टिश्यू पेपर कलरफुल आते हैं आप उनसे बनाएंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा।